और बड़ी खबर डिंडोरी से आ रही है, आपको बता दें डिंडोरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। डिंडोरी नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारक भाजपा में शामिल, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में हुई शामिल। नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा, भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर शामिल हुई हूं। चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो बता दें 2023 के विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, जहां जोर तोड़ की राजनीति प्रदेश में चरम पर है। अभी कल की बात करें तो विजय राघवगढ़ के पूर्व बीजेपी विधायक जो है कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके पहले पूर्व मंत्री जो है जोशी, वह भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब कांग्रेस में यहां पर झटका लगा है। नगर परिषद जो है डिंडोरी की, उन्होंने बीजेपी का जो हाथ है दामन थाम लिया है। चुनाव के पहले कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें डिंडोरी में कांग्रेस की जो परिषद की अध्यक्ष है, वह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। भाजपा की रीति नीति विचारों से प्रभावित होकर मैं परिवार में शामिल हुई हूँ। भाजपा की रीति नीति विचारों से प्रभावित होकर मैं परिवार में शामिल हुई हूँ। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ गया है। सुरेंद्र, बात किया तो डिंडोरी नगर परिषद की अध्यक्ष सुनीता सारस ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगा है, क्या माना जाए? आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जोर तोड़ की जो राजनीति है वह प्रदेश में चल रही है। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सुनीता सारस कांग्रेस पार्टी के मोनो पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पहले पार्षद का, उसके बाद नगर परिषद के अध्यक्ष बनी। कांग्रेसी पार्षदों की सपोर्ट से उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी। हालांकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते अगर ये उन्होंने भाजपा ज्वाइन की तो इससे लगता है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि डिंडोरी जिले में दोनों विधानसभा में कांग्रेस के ही विधायक हैं। अगर इस तरह से कांग्रेस के लोग भाजपा में जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कि कांग्रेस को लगातार बड़ा झटका लग रहा है। इसके पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने भी इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, अभी भी वो कांग्रेस में नहीं है। चलिए सुरेंद्र, देखना होगा कि इस जोर तोड़ की राजनीति से 2023 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।